दोस्तों, लेट मी टॉक अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द सोल ऑफ अ स्टार्टअप। नाउ देयर आर थ्री की थिंग्स दैट फाउंडर्स कीप फॉरगेटिंग एज दे ट्रैवल्स इन दिस जर्नी ऑफ अ स्टार्टअप। बहुत बार ऐसा होता है कि डेली जो चीज़ें कर रहे हैं, डेली जो चीज़ों में हम लोग लगे हुए हैं, तो ये तीन चीज़ें हम भूल जाते हैं, जिसको ध्यान में रख के हमको सारे डिसीजंस लेने चाहिए। सो फर्स्ट इज द बिजनेस इंटेंट। व्हाई द बिजनेस वाज एस्टैब्लिश्ड, आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, द वेरी ऑब्जेक्टिव्स, द विजन एंड मिशन ऑफ दिस स्टार्टअप, ये हमेशा याद रखनी चाहिए एक फाउंडर को। क्योंकि जब भी आप एक डिसीजन लेते हैं, ये आपको रिमाइंड करता है कि क्या ये आपको अपने गोल की तरफ ले जा रहा है या नहीं। सो दिस इज़ वन। सेकेंड इज सी अल्टीमेटली द कंज्यूमर्स और द क्लाइंट्स आर द बैकबोन ऑफ योर बिजनेस। तो अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, उनके साथ जो एंगेज कर रहे हैं लोग वो अच्छी तरह इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जो फीडबैक आपको मिल रहा है उसको अगर आप मॉनिटर करके इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आपके कस्टमर्स किसी और कॉम्पिटिटर के पास जाने लगेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट्स हैपनिंग विद द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड हाउ यू आर वर्किंग ईच डे टू इम्प्रूव दैट एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। नाउ बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आप फ्लिपकार्ट देखें, अमेज़ॉन देखें, इनका जो फेस है वो लोग हैं जो आपके दरवाजे पर आके आपको सामान डिलीवर करते हैं। अगर ये इंटरेक्शन अच्छा नहीं है तो एक कस्टमर के मन में एक नेगेटिव फीलिंग डेवलप होगी, वैसे ही फीडबैक देगा, वर्ड ऑफ माउथ बुरा हो जाएगा। जोमैटो का केस आपने देखा, जो कि अपनी एक केस स्टडी बन चुका है, अब उसमें भी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, बट विदाउट गेटिंग इनटू द कॉन्ट्रोवर्सी, द पॉइंट बीइंग कि जो इंसान आपके दरवाजे पर आ रहा है वो आपका फेस है आपकी कंपनी का, तो अगर उसकी ट्रेनिंग अच्छी तरह नहीं हुई है, आपने इग्नोर किया है वो एस्पेक्ट, तो आगे चल के आपकी कंपनी के लिए वो बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। थर्ड इज वेल द एम्प्लॉयज, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी स्टार्टअप। जो आपके को फाउंडर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं या जिन लोगों को आप हायर करते हैं, वो आपकी स्टार्टअप में कैसा फील कर रहे हैं। नाउ एवरी डे इज अ चैलेंज, ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी for you to improve as an organization, to make sure कि वो सारे जो लोग हैं आपके साथ इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगे हुए हैं, वो आपके विजन को बायन करते हैं और उतने ही एंथुजियाज्म से उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। There are various ways apart from the incentives that you give to your employees to improve that or to maintain that culture, जो कि आपको रोज़ अपने को रिमाइंड करते रहना चाहिए। अक्सर ये रिमाइंड करने की ही जो हमारी आदत है वो नहीं रहती है, हम दुनिया की आपाधापी में सो कॉल्ड फंस जाते हैं, स्टार्टअप की आपाधापी में। इसलिए अपने को कॉन्स्टेंट रिमाइंड करते रहना इन तीन चीज़ों के बारे में बहुत ज़रूरी है। सो होप यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद यू अगेन सून। थैंक यू।